बेल आइकन तो दबा दीजिए। प्राची पर सीढ़ी हो क्या एकदम, अभी बुलाए दो भाई। यार मत करो यार प्लीज। अभी आ गई आ गई आ गई आ गई। अभी कब तक चलता रहेगा भाई सब, और साले तेरे चक्कर में ना किसी ने चप्पलें पड़नी हमको भी। भाई यार दोस्त ही तो दोस्त से काम आता है ना। आज तो मेरे लिए यहाँ बैठे हो, कल तुमको जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए कहीं बैठा हूँगा। रखत का नियम भी तो यही है। और साले इस नियम के चक्कर में ना किसी दिन पहले जाएंगे दोनों कैदे में। अबे हम है ना यार, कोई हाथ लगा दिखाए तुमको। अच्छा और किसी दिन किसी ने हाथ लगा दिया ना साले, सबसे पहले तुम ही भागोगे हमको मालूम। अबे चल चल मुड़के मुड़के आजा। अबे इतनी पंचोटी लौंडे का पीछा, भाभी भाभी का पीछा कर रहे हैं यार, स्कूल से घर, घर से स्कूल। यार इतनी पंचुअलिटी से हम पढ़ लिए होते ना सेक्शन ए में होते पूजा के साथ। मुंह देखो सेक्शन ए वाला, बाप ना बनो। बाप चलो चुपचाप आ रहे हम, चुपचाप चलो। अरे यार क्या मिलता है सुबह सुबह परेड लगा के यार, जाके बात कर लेना सीधा। और साले किसी ने लड़की ने पब्लिक में चिल्ला दिया ना तो पब्लिक ने तशरीफ फाड़ देनी हम दोनों की। और तेरी दोस्ती के लिए साले इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता मैं, जाके मैं तो उन बात कर ले जा। अरे भाई तुमको तो पता है ना यार कि बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, दोस्ती के लिए भी कंसीडर नहीं करेगी मुझको। गांव में ना गूदा होना चाहिए इजहार करने के लिए। ये जो छुप छुप के देखते हो पीछा करते हो ना उसको प्यार में नहीं कहते हैं क्रिपिनेस, कहते हैं क्रिपिनेस। जाके बोल सीधे। अबे बोल देंगे ना यार। कब? एग्जाम्स के बाद बोल देंगे। लिख के दो। लिख लो अब चलें यार। नहीं अबे चलो निकल जाएगी भाई। नहीं चल लो भाई प्लीज यार, चल लो यार। पैर छू बस चलो। अबे कहाँ गई? अब कहाँ गई? हम मिस्टर इंडिया हो ही जा रहे हैं एकदम। चूतिया। यार हम दौड़े उड़ेंगे नहीं सुबह सुबह। तो कहाँ गायब हो गई है? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ साले। अबे गायब नहीं हुई, गायब कर दी गई है। क्या मतलब? किडनैप, फिरौती, रैंसम। सेक्शन डी का बबलू नहीं है, बहुत गंदी नजर से देखता है भाभी को, पक्का इसने उठाया। चल पहले चल पहले साले को। अबे कतई चूतिया है यार तुम। बाप को चूतिया बोल रहे हो? अरे यार आप क्या हुआ क्या है? तुमको चक्कर आ रहा है, बोला संगत बदल लो। सलाह में सबसे बोला संगत बदल लेंगे। हमारा पीछा कर रहे हो तुम दोनों? पीछा कर रहे हो तुम? नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, इस रास्ते से हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम लोग आपका पीछा कर रहे हैं? पढ़ाओ ना किसी और को जाके, बहुत टाइम से देख रहे हैं, क्या तमाशा लगा के रखा है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। हाँ अरे दीदी आप हमारे रास्ते ना कोइंसिडेंटली कोलाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हम आपका पीछा कर रहे हैं। नाम क्या है तेरा है दीदी? नाम क्या है तेरा? प्रतीक सार्थक। तू स्कूल पहुंच, प्रिंसिपल को बताती हूँ, फिर देखते हैं कि रास्ते कोइंसिडेंटली कोलाइड हो रहे हैं या फिर प्री प्लान कोलिजन था ये। कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? तुम दोनों में से इंटरेस्टेड कौन है मुझे? दोनों मैं। दीदी मैं नहीं पीछे पड़ा हूँ, ये पीछे पड़ा है। मालूम ही क्या करता है मुझे, रोज यहाँ बुलाता है, कहता चलो आइसक्रीम खिलाएंगे, मोरल सपोर्ट करो मेरा। साले तुमसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। दीदी पीछे मत करो, तभी तुम्हें पीछे करना है। दीदी मत करिए प्लीज, हम बहुत गरीब परिवार के हैं, हमारा एक ही स्कूल है। प्लीज हो सके तो इसकी भी मत करिएगा शिकायत। माना ये गलत था लेकिन इसने कभी आपको छेड़ा? कभी छेड़ा? नहीं, सिर्फ दूर से आपको देखता, घर से आपको देखता था। अच्छे घर से है, अच्छा लड़का है,
देखिए अब प्यार तो नहीं कर सकते, कम से कम दोस्ती ही कर लीजिए साला, हमारा पीछा छूट जाए। बहुत दुखी हो गए हम यार। तुम्हारा नाम क्या है जी? नाम क्या है तुम्हारा? प्रतीक झुनझुनवाला। और आपका? अच्छा, इतने टाइम से हमारा पीछा कर रहे हो और तुम्हें नाम ही नहीं पता है, वाह। भूल गए थे एकदम से, इसे पता नहीं कि दिमाग से उतर जाता है। पता है प्राची बेदी है ना? बक ठीक कह रहा है वो, प्राची दीदी, एक साल सीनियर है तुमसे। एज में क्या रखा है, अब ऐसे तो मेरी मम्मी भी मेरे पापा 2 साल बड़ी हैं। अब पापा तो नहीं बोलेंगे दीदी एक गिलास पानी ले आओ, सॉरी दीदी वीदी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वक्त ही सब बात करने के। दीदी टेंशन में, उनको हाइपरटेंशन दे रहा है। तो दीदी कैसे बोलते हैं? बाप जाके पूछ के। चुप हो गया तुम लोगों का, अब हम बोले? आज के बाद मेरे आस पास या आगे पीछे दिखे ना, कायदे में बताएंगे। रास्ते बदल लो दोनों अपने अपने। बदल दी, बदल दी। क्यों बदलेंगे रास्ते? अच्छा क्यों बदलेंगे रास्ते? हाँ, ट्वेल्सी में जो पुष्कर है ना, बॉयफ्रेंड है हमारा, इसलिए बदल लो रास्ते। वो गुंडा भैया है, बहुत सज्जन आदमी हूँ मालूम है आपको। चलो मैं तो पास निकल। अबे चुप यार, चुप एकदम। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आखिरी वार्निंग। इसके पास तुम दोनों दिख गए ना मेरे को आसपास, तो बताएंगे अच्छे से। निकल लो, बड़ी तेजी में निकलो, चलो। आपने बोल दिया ना हम दिखेंगे ना, हमारी शक्लें दिखेंगी। चल चल चल, मुश्किल से कैसे पड़ गई। अबे खाली कुर्सी बैठना ना बहुत आसान है साला, पुश करो कुर्सी पसंद ना, ऐसा पुश करो और फिर बैठो ना, तब है मर्दों वाली बात। अरे नहीं भाभी ना, ये पुश करो छोड़ के आएंगी। कैसे? अब ये भी हमें बताएं, खुद से कुछ नहीं करना है तुम्हें क्या? ये लो खाओ तुम। अरे नहीं खाएंगे यार हम। योर लॉस। अब लॉस ही लॉस तो है। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो क्या दिख रहा है, मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? कीचड़। अरे अब देखो, ये जो पुष्कर है ना, पुष्कर ऐसे लौंडे ऐसे चार चार हमारे पीछे घूमते रहते हैं, पुष्कर को ना नटे से उठाएंगे और ऐसे पटक देंगे साले को उठा के एक दिन। मां कसम कहने किसी दिन पुष्कर को भाभी के साथ दिखे ना तो उसको दिख जाए तो दिख जाए तो दिख जाए तो दिख गया। वो देखो दिख गए दिख गए दिख गए। जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाए? जाओ दिख गई ना। सुनो तो सुनो तो सुनो, बे खड़े रहना है, आज बात करना है ठीक है? आज हिम्मत से बी ब्रेव। मैं हूँ सार्थक, नाम मत लेना लेकिन। बढ़िया वे सार्थक उंगली दिखा रहे बे। सार्थक सार्थक कुत्ता साला। हेलो भैया। हाय। हेलो प्राची, कैसी हो? एक बार में समझ में नहीं आता, प्राची दीदी। चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी, प्राची जी पे डन करती हूँ। सुबह एक और बात बोली थी ना, पीछा मत करना। अरे तो पीछा कहाँ किया, अब आप खुद बखुद सामने आ गई तो इग्नोर नहीं किया कि कहीं आपको बुरा लग गया तो, है ना? अरे रुक क्यों गई, चलिए अच्छा लग रहा है। ऐसा करो तुम आगे चलो। मुझे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है, चलो आगे बढ़ो। बस थोड़ा सा और आगे चलना और सीधा चलते चले जाओ बिना रुके। अच्छा मतलब सीधा घर पहुंचा रही हैं? हाँ तो घर ही जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। मतलब चले जाएं? और किस तरह कहें यार, जाओ घर जाओ, समझ नहीं आ रहा एक बार में। हाँ तो जा रहे हैं, चिल्ला क्या रही। Thank you.
प्रतीक। देखिए प्राची जी, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ कोइंसिडेंटली हो रहा है कि जैसे आपके घर के पास पहुंचते वैसे आप घर से बाहर निकल आती हैं। हम जल्दी आए तो, देर में आए तो, हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, बस जो बताइए वो करें हम। तुम्हारा हनुमान किधर है? हनुमान? तुम्हारा दोस्त सार्थक, वो तो अब सीधे स्कूल से घर और घर से स्कूल जाता है बस। क्या हुआ, ज्यादा डर गया क्या वो? अब आपने फाड़ी इतने कायदे से, कोई भी डर जाएगा, हम खुद डर गए थे। और वो दूसरी साइड भी रहता है ना। तो वो दूसरे साइड से सिर्फ तुम्हारे मॉरल सपोर्ट के लिए इधर आता था? कह भी नहीं दीजिएगा, रोज आइसक्रीम खिलाते तो अपना पेट काट काट के। मॉरल सपोर्ट, तब तो काफी खर्चा हो गया होगा तुम्हारा अभी तक। काफी नहीं, बहुत ज्यादा। लाइए वापस कर दीजिए। हम क्यों करें वापस? आप ही वजह से तो खर्चा हुआ है। और आप उस पुष्कर भैया को डेट कर रही हैं? नहीं कर रही हूं मैं उसको डेट। सही बताइए। और तुमको भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? तुम लोगों की फाड़ने के लिए। अच्छा, आप एकदम हम लोगों जैसी हो। अरे यार, फालतू में कौन से सो रहे थे? सेंटा फेस खाएंगी? नहीं। वैसे एक बात बताओ, हमारा पीछा क्यों करते थे तुम? क्या हुआ, रुक क्यों गए? बोलो। पहले प्रॉमिस करिए डांटेंगे नहीं। नहीं डांटेंगे, बोलो। वो आप बहुत अच्छी लगती हैं हमको। तुम्हें सीधा आके बात करनी चाहिए थी ना हमसे। तो तुम सॉरी, आप मान जाती तब भी मना कर देती, लेकिन अगर सीधा अप्रोच करते हैं ना तो शायद हम दोस्त तो बन ही सकते थे। मुझे क्या लगता है ना प्राची जी, अभी इतनी देरी नहीं हुई है, दोस्त तो अभी बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ शायद, घर से स्कूल, स्कूल से घर के बीच में तो बन ही जाएंगे। तो फिर घर से नहीं नहीं स्कूल से घर के बीच में डन करते हैं। आप कोचिंग का सच बता रहे हो, वो ज्वाइन किया था हमने, इसलिए पढ़ने आया था, पीछा वीछा नहीं कर रहे आपका। अरे अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो आज बात करने गए थे, परसों ज्वाइनिंग है मेरी, सच बता रहे हैं। साले तुमको मना किया था, दीदी को मत छोड़ो, पुष्कर भैया को बता जाकर भी। हम बता दो जाके, तुम्हारे दोस्त ने हमें सब बता दिया है। सब भाभी, क्या ये इशारे क्या चल रहे हैं? हां सॉरी। ओ भाई 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 भाई, अरे यार क्या हुआ बे? अब आइसक्रीम खुद खरीद के खानी पड़ेगी। चलो हम तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं। हैं? आपको मालूम है, मतलब मैंने ही आपका नाम रजिस्टर से निकाल के इसको दिया था। हाँ। आओ बे। अच्छा सुनिए, वो एक बात पूछे, पुष्कर से कैसे पढ़ गई आप? ज्यादा फ्रैंक नहीं होना। हाँ अबे ज्यादा फ्रैंक ना, कैसी बातें कर रही हैं, तुम लोग दोस्त हो गए, अजीब बोलेंगे। दोस्त हो गए लेकिन अपनी हद में रहो। एक्चुअली वो हमको भी अब बहुत अच्छी लगती है, मालूम है। सुनो एक बात बताए, औकात में रहो वरना बहुत पेले जाओगे तुम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वॉच आउट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।